वेलकम बैक टू देसी टू विदेशी। नमस्ते। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी है आप ही लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि है यहाँ पे वर्क वीसा पे आप कैसे आ सकते हैं, या तो यहाँ पे आप जॉब कैसे आपको मिल सकता है, या आप यहाँ पे जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो हम अपना जो जर्नी था स्वीडन आने का आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है यहाँ पे आने के लिए, रहने के लिए, सेटल होने के लिए। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस होता है वो हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हम लोगों ने यहाँ पे आके फील किया है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो रुको जरा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप हमें इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने नया रिपोर्टर है क्योंकि सच में मैंने पूरा चिट्ठा बना के लाया हुआ है आज। एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, और एक चीज़ भी मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि आज हम लोग वर्क वीसा के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्क वीसा पे ही स्वीडन आ सकते हो, आप स्टूडेंट वीसा में भी आ सकते हो, टूरिस्ट वीसा में भी आ सकते हो, और बिजनेस वीसा में भी आ सकते हो। तो बहुत सारे बिना वीसा में भी आ सकते हो, रिस्क है लेकिन वो इलीगल रहेगा। अच्छा मुझे लगा सच में कोई है वे। अच्छा ठीक है, लेकिन वो नहीं करना है। तो बाकी जो प्रोसेस है वीसा वगैरह का, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे जर्नी के बारे में। इट वाज ईयर 1985। मैंने अपना साइकिल उठाया और साइकिल से स्वीडन आया था। मजाक लग रहा है ना? गो एंड गूगल पीके महानंदिया, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने साइकिल से इंडिया से स्वीडन आए थे। आई थिंक वो भी उड़ीसा से थे। इट वाज ईयर 1985 और 89 समथिंग। लेकिन वो तो अपने प्यार के लिए आए थे। तो हमने ऐसा नहीं किया था, हमने थोड़ा सा ना सुकून वाला वे चुना था, जो वे होता है ना वर्क परमिट अप्लाई करके, अप्रूवल लेके, ठप्पा लगा के, कुछ मेडिकल टेस्ट भी था शायद उस टाइम पे। हाँ, एक मेडिकल टेस्ट होता है जो कि होता है शायद टीबी के लिए। तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कि हम लोग एक स्वीडिश कस्टमर के लिए काम करते थे हमारा कंपनी, तो उनको कुछ रिक्वायरमेंट था यहाँ पे, जैसे उनको कुछ बंदे चाहिए थे यहाँ पे मैनेज करने के लिए। सो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और फिर हमारा कंपनी ने वर्क परमिट अप्लाई किया था। हमारा कंपनी ने एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया था टू प्रोसेस वीसाज एंड ऑल द रिलोकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे वीसा हो गया, घर ढूंढने के लिए इनिशियली, और भी कुछ था शायद, हाउ टू माइग्रेट, वो अकाउंट्स वगैरह जो भी करना क्रिएट करना था इनिशियली, वो सर्विसेज होता है उनका, तो उन्होंने वो दिया था एक थर्ड पार्टी कंपनी को, और थर्ड पार्टी कंपनी ने हमारा वीज़ा अप्लाई किया था। और स्वीडन में अभी रूल ये है, ये तब नहीं था 2012 में, लेकिन आई थिंक दिस रूल केम इनटू पिक्चर इन 2015 और 2016 कि दे हैव सम सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस वेयर हु कैन अप्लाई वीज़ा एंड दे विल गेट द डिसीजन विद इन 20 डेज। कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आई थिंक इट वॉज सैलरी स्लिप, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, CV, और बहुत सारे कंपनी के भी डॉक्यूमेंट होते हैं जिस कंपनी के आप एम्प्लॉई हो। इतना पूरा डॉक्यूमेंट्स तो मुझे नहीं पता है, जो मुझसे मांगा गया था आई थिंक इट वॉज माई सैलरी सर्टिफिकेट्स, माई बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, माई एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और मैरिज सर्टिफिकेट, वैलिड पासपोर्ट कॉपी और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्वीडन के लिए। और स्वीडन में आने के लिए आप अगर आप यू आर कमिंग थ्रू फॉर अ जॉब, देन देर आर 4 डिफरेंट इंश्योरेंसेस व्हिच आर मैंडेटरी, यू नीड टू हैव देम वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन स्वीडन फ्रॉम द डे 1, नॉट फ्रॉम आफ्टर डे 30। सो डे 1 से नहीं है, दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। बहुत सारे लोगों का एक्सटेंशन रिजेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस। सो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने के लिए। तो अगर आप में से कोई इंडिया से या कहीं से भी यहाँ पे आना चाहते हैं, स्वीडन प्रायोरिटी जो है कि आपको स्वीडन में जॉब सर्च कैसे करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आओ
फिर आप जॉब सर्च करो, यहाँ पे आपको जॉब मिलने के बाद ही आप आ सकते हो। और ये है कि यहाँ पे जो पॉलिसी है, फर्स्ट वो अपने लोकल्स को प्रायोरिटी देते हैं जॉब के लिए। आपका कोई वीसा प्रोसेस होता है वर्क परमिट के लिए यहाँ पे, तो यहाँ से आपको यूनियन से अप्रूवल लेना पड़ता है, और यूनियन से अप्रूवल लेने के लिए आपका एक कंडीशन होता है कि जो जॉब में आप बाहर, मतलब कोई भी कंपनी यहाँ से हायर करता है रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यू, देन उनको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उनको रिसोर्सेज यू में मिले ही नहीं, जिसके वजह से उनको बाहर से रिसोर्स हायर करना पड़ता है। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है कि ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे आप आने वाले हो, तो उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है, एंड दैट एडवर्टाइज नीड्स टू रिमेन मिनिमम 10 डेज। और एडवर्टाइजमेंट एक यू का पोर्टल है जहाँ पे यू और स्विट्जरलैंड के लिए वैलिड है फॉर ऑल द जॉब वैकेशंस, तो वहाँ पे ही करना पड़ता है। अगर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इज नॉट देयर फॉर 10 डेज और 10 to 15 डेज, देन आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू टेक केयर। तो वो एडवर्टाइज करते हैं 15 दिन के लिए, 10 डेज मिनिमम होता है, और 10 दिन एडवर्टाइज करने के बाद फिर दे कैन ऑफर समवन आउटसाइड ऑफ यू दिस पोजीशन। यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आप लिंक्डइन ही यूज़ कर सकते हो फॉर स्किल्ड वर्कर, जैसे हमारे आईटी जैसे फील्ड हो गया। और मेडिकल प्रोफेशन के लिए आपको लैंग्वेज मैंडेटरी है, तो आपको सीखना पड़ेगा, यू कैन स्टिल कम हियर। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे दे कम हियर एज ए स्टूडेंट, व्हेन यू कम एज ए स्टूडेंट यू डोंट गेट ए वीसा टू वर्क। सो बट उनका ये है कि आई थिंक इट इज़ एवरी ईयर यू हैव टू कम्प्लीट 30 क्रेडिट, जो स्कोर होता है, पॉइंट्स होता है। इफ़ यू आर कम्प्लीटिंग 30 क्रेडिट्स फॉर 2 ईयर्स, देन यू आर 2 consecutive years, then you can apply for a work permit. But student के लिए, और उनका कुछ grace period भी दिया जाता है, I think it's 6 months, so then after completing their studies, within 6 months they can apply for a job and find a job and then apply for a work visa. In that scenario, they don't have to leave Sweden. But इसके लिए हम मुझे भी थोड़ा सा research करना पड़ेगा exactly क्या क्या scenarios है वहाँ पर। तो मैं तो student था नहीं, मतलब student था लेकिन यहाँ पर student नहीं था। लेकिन हम लोग research करके एक video ज़रूर बनाएंगे कि students यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। मुझे नॉन स्किल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आते हैं लोग एक्चुअली, नॉन स्किल्ड वर्कर भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे आते हैं, मतलब कहाँ से जॉब मिलता है उनको, क्योंकि स्किल्ड के बारे में मुझे पता है कि हाँ आजकल तो लिंक्डइन में बहुत सारा ओपनिंग्स आते हैं, यू कैन सर्च फॉर स्वीडन एंड अप्लाई फॉर दोज जॉब, एंड इफ़ यू गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द जॉब लाइक इंटरव्यू वगैरह आपका हो गया और आपने क्लियर कर दिया। एंड पहले क्या था कि इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू हायर पीपल दैट फार अवे फ्रॉम इंडिया एंड ऑल द थिंग्स, लेकिन उनका मैंटेलिटी भी आजकल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो सो डिजिटलाइज वर्ल्ड हो रहा है, तो उनको भी लग रहा है कि हाँ भाई स्किल्ड वर्कर तो इंडिया में है ही, या बाहर है ही, तो वहाँ से ले ही सकते हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड हायरिंग पीपल आउटसाइड ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं कि दे कम थ्रू सम कंपनी हियर, वर्क हियर एंड देन ट्राई टू स्विच जॉब हियर, जैसे हमने भी किया था। तो हमने इंडिया से आए थे, फिर देन वी स्विच्ड आवर जॉब्स टू ए स्वीडिश कंपनी हियर, तो उनका मतलब हमारा वही था। लेकिन आजकल वो डायरेक्टली भी हायर करते हैं, या तो आप जिस कंपनी से काम करते हैं वहाँ पे अगर स्वीडन में कोई ब्रांच वगैरह है तो आप ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू गेट अ जॉब, और फिर अगर जॉब प्रोसेस वगैरह आपका हो जाता है तो योर कंपनी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका वर्क परमिट ना आपका हायरिंग कंपनी अप्लाई करता है, दे इनिशिएट दैट प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर गोइंग टू इनिशिएट दैट प्रोसेस। इफ समवन इज सेइंग दैट कि यू हैव टू इनिशिएट योर वर्क परमिट, you have to take care of your work permit and all the things, then वो थोड़ा सा ना मतलब फ्रॉड कॉल हो सकता है, या अगर दे मांगे कि भाई पैसा दो हम तुम्हारा वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो वो स्ट्रिक्ट नो नो है। अगर कंपनी लेजिट है तो दे विल प्रोसेस योर वर्क परमिट, आई मीन इतना बड़ा कॉस्टली अफेयर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके लिए कंपनी को भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि कंपनी का अपना बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि उन्होंने जॉब अप्लाई किया था और वो स्वीडन में टैक्स वगैरह देते हैं, सर्टिफाइड है ये, उनका कोई बैंकक्रप्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और यूनियन से अप्रूवल वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है। तो ये आपको अगर कोई बोलता है तो थोड़ा सा नो नो काइंड ऑफ थिंग है कि अगर आपको कोई बोले कि अप्लाई करो अपना वर्क परमिट खुद अपनी तरफ से। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ेगा कि स्वीडन में
क्यू सिस्टम है माइग्रेशन बोर्ड का, मतलब आपने एप्लीकेशन दिया तो एक क्यू में जाता है, देन ए केस ऑफिसर इज बिंग असाइन टू दैट टू रिव्यू दोज डॉक्यूमेंट्स। अगर फिर उसको कुछ लगता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो क्या करते हैं कि वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो क्यू में ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है क्योंकि फिर वो दूसरा केस उठाते हैं, फिर तीसरा, तो वो फिर ना जब तक वो जो नया केस उठाए वो ख़त्म नहीं होता है ना, तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो इसीलिए ट्राई टू मेक श्योर कि सारा डॉक्यूमेंट्स आप एक ही साथ भेज दें। हाँ, और अगर आप अपने फैमिली को भी ले रहे हो तो फैमिली का भी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भरना है, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज मिस ना हो। हाँ, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रोसेस भी रहता है ना यहाँ का, जो मैंने नोटिस किया है, बहुत ज्यादा स्लो एंड स्टेडी रहता है। स्वीडन कल्चर के हिसाब से वो धीरे 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 धीमे धीमे, और समर टाइम में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 2 महीने के लिए भूल ही जाना, क्योंकि समर में ये सब वैकेशन पे चले जाते हैं। तो कंपनी अप्लाई करता है, सो जो कंपनी आपका वीसा अप्लाई कर रही है अगर वो सर्टिफाइड है तो इट इज़ एक्चुअली 20 डेज, विद इन 20 डेज यू गेट योर डिसीजन। बट इफ़ योर कंपनी इज़ नॉट सर्टिफाइड देन इट कैन टेक अप टू 3-4 months, 5 months और 6 months ऑल्सो और मोर देन दैट ऑल्सो फॉर येस और नो। वर्क परमिट प्रोसेस हो जाता है, तो फिर वर्क परमिट प्रोसेस होने के बाद आपको देना पड़ता है बायोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे वीसा पासपोर्ट पे स्टाम्प नहीं होता है, आपको एक कार्ड मिलता है, उसको बोलते हैं यूटी कार्ड। और एक बार आपका डिसीजन पॉजिटिव डिसीजन आ गया तो अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा स्वीडिश एम्बेसी और आपको फिर देना पड़ेगा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक जैसे मैंने बोला कि ये स्वीडन में वीसा पासपोर्ट पे नहीं लगता है, दे गिव यू ए सेपरेट कार्ड यूटी कार्ड जिसमें आपका फिंगरप्रिंट्स वगैरह होता है वहाँ पे एज ए चिप, जैसे एटीएम कार्ड मिलता है ना पूरा एग्जैक्टली वैसे ही होता है, कार्ड। तो आपको जाना पड़ेगा आपका नियरेस्ट एम्बेसी, स्वीडिश एम्बेसी। इंडिया में बस एक ही है दिल्ली में, बाकी कंट्री का फिर अपने अपने जगह पे होगा। हाँ। कहीं ना कहीं पे सो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बट देर आर फ्यू डेज ओनली, आई थिंक इट वॉज मंडे ट्यूजडे वेंसडे एंड फ्राइडे, नॉट ऑन थर्सडे दे एक्सेप्ट बायोमेट्रिक। तो आप वो चेक करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप जाते हो और बंद है तो उस दिन आपको लौटना पड़ेगा। और स्वीडिश हॉलीडेज, हाँ, दे फॉलो स्वीडिश हॉलीडेज, तो उसके हिसाब से आपको फिर वो देख के जाना पड़ेगा। और वहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं है, आप जाओ अपना पासपोर्ट लेके, पासपोर्ट नंबर दे दो वहाँ पे, क्यू में डाल दो अपना सिक्वेंशियल नंबर और वो बुला देंगे, 15-20 मिनट का काम है, फ़ोटो उठा लेंगे, सिग्नेचर ले लेंगे, हाइट नापते हैं और फिंगरप्रिंट लेते हैं। हाँ, ड्यूटी कार्ड एक्चुअली फिर यहाँ से वहाँ पे जाता है, स्वीडन से इंडियन एम्बेसी जाता है, फिर आइदर यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम इंडियन एम्बेसी और यू कैन आस्क दे। हम लोग जनरली बोलते थे कि हम जब बैंगलोर से जाते थे तो हम बोलते थे कि भाई कोरियर कर देना, वो कुछ 500 रुपया लेते थे, 500 या 1000 रुपया, आई थिंक इट्स 500 रुपीज़ ओनली। तो फिर आप बायोमेट्रिक दे दीजिए और बायोमेट्रिक देने के बाद वो एक एग्जैक्ट काउंटर होता है कि 15 दिन के अंदर, आप मान लो कि आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट, तो आप 15 दिन में आप ट्रैवल कर लोगे। तो हम लोग फिर उसके अंदर अपना सब कुछ प्लान कर लेते थे, दाल चावल, प्रेशर कुकर और सब कुछ जुगाड़ तो करके। वो तो वीडियो में बना दी हुआ एक आपके लिए कि क्या क्या चीज़ आपको पैक करना है स्वीडन के लिए। टिकट बुक कर लीजिए, कंपनी से आ रहे हैं तो कंपनी को बोलिए टिकट बुक करने के लिए, या तो जो भी प्रोसेस होगा आपके कंपनी का या जिस कंपनी आपको हायर कर रहा है, अगर उसने आपको बोला होगा कि हाँ भाई टिकट विकेट वगैरह, जनरली वो देते हैं कि टिकट देते हैं और पहले 15 दिन का रहने का स्टे भी देते हैं, नहीं तो आप आके जाओगे कहाँ पे, एयरपोर्ट पे तो सोगे नहीं। हाँ। तो फिर वो सब करते हैं और टिकट कीजिए फिर, मतलब मान लीजिए आप दिल्ली में बायोमेट्रिक देने के बाद या एम्बेसी में बायोमेट्रिक देने के बाद, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा कि इट इज़ 15 डेज आफ्टर बायोमेट्रिक। और एक चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे रह के यहाँ घर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो वो भी एक है इशू, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट करना यहाँ पे, यहाँ का जो सोसाइटी है ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे वहाँ से कोई आ रहे हैं तो उनको घर मिलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आपको आपका कंपनी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे कुछ दिन के लिए स्टे करने के लिए, फिर आप यहाँ पे आने के बाद भी घर ढूंढ सकते हैं। हाउसिंग मार्केट इन स्वीडन इज इन ओवरऑल काइंड ऑफ इट्स नॉट सो गुड,
हमारे साथ भी बहुत बुरा बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी। फर्स्ट टाइम हम लोग समर में ही आए थे, तो हम लोग को एटलीस्ट 2 महीने पूरा होटल में रहना पड़ा था। मतलब इवन इफ यू अप्लाई फॉर पर्सनल नंबर इन समर देन एक्सपेक्ट सम डिले। समर में सब कुछ डिले रहता है, यहाँ पे सब बंद रहता है यहाँ पे समर में। तो बस ऐसा ही था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा। और आपको अगर कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप हमें बताइएगा, हम ट्राई करेंगे आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। तो आप हमें जो भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं जिसका आईडी है देसी टू विदेसी, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो और एक चीज़ तो बोलना भूल गया, लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि कितना अच्छा समर है, सनी है, धूप आया था, और आज हम फिर वापस जैकेट में और तो हवा चल रही है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप समर में यहाँ पे आ रहे हैं तो मतलब समर ड्रेस में ही आएगा, हमेशा अपने साथ जैकेट्स वगैरह जो भी सारा विंटर क्लोथ्स है ना वो हमेशा आपके हैंड में ही रहना चाहिए, जैसे ही आप उतरो डाल दो बस। ऐसा मुझे इतना याद नहीं है कि स्वीडन में ऐसा कब होता है कि आप अपने बिना जैकेट कहीं पे बहुत बेफिक्र होके आप मतलब जा सकते हो कि आज मैं जैकेट लूंगा ही नहीं। हाँ, ऐसा बहुत कम आता है, बहुत कम होता है। आई थिंक साल में 5 दिन या 10 दिन होगा ऐसा। ऐसा जनरली होता नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब पतला सा भी हो हल्का सा भी हो, अगर समर के टाइम में आ रहे हैं तो एक हल्का फुल्का जैकेट वगैरह अपने साथ रखिएगा कि इंस्टेंटली आप उसको निकाल के पहन सकते हो, नहीं तो पूरा सिकुड़ जाओगे आप। यहाँ पे हम लोग शूट करने के टाइम पे भी हम लोगों का सिचुएशन बहुत ख़राब है क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतना सर्दी होगा बाहर। तो बस अभी वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी हमें 1000 सब्सक्राइबर में पहुँचाइए जल्दी। अच्छा, और एक चीज़ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ स्वीडन रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाती हूँ, यहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो घूमना फिरना तो हो नहीं रहा है, बस यही आसपास ही हम लोग घूम रहे हैं, तो आप हम ट्रैवल करते हैं घर से पार्क, पार्क से घर, घर से पार्क, नहीं हम लोग ट्रैवल करते हैं हम लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन तब तक हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, नहीं तो आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मिल जाता। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लविंग देसी टू विदेसी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।